Hello everybody, how you all are doing? So today we are studying class 4th subject GK and the book name is Quest for Knowledge. So let's start. The chapter name is Beauty of Nature. Actually इसमें जंबल वर्ड्स हैं जिसको आपको जिसकी एक डेफिनेशन दी गई है उस वर्ड डेफिनेशन को पढ़ के आपको समझना है कि उस वर्ड का क्या मतलब है और जंबल वर्ड को सही से लगा के उसका आंसर देना है. जैसे कि फर्स्ट डैश, ये जो डैश के आगे जो बॉक्सेस हैं ये जंबल वर्ड्स हैं, इनको ना पढ़े, डैश इज ऐसे पढ़े, ये बीच वाले बॉक्सेस को छोड़ दें और उसके बाद ये जंबल वर्ड्स को आप सही लगाने की कोशिश करें. सो ये देखिए, पहला देखेंगे डैश, ये जंबल वर्ड है, इज अ मास और क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर. सो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, ये डेफिनेशन है मिस्ट की. सो यहां पे जंबल वर्ड में देखो एम आई एस टी, हमने सीधा लगा दिया मिस्ट और हमने यहां पे फिर इसको फिल कर दिया. So that's how we have to do it, right? So ऐसे कर करके हमें सारे fill up करने हैं. Second वाला, dash is the invisible vapor into which water is converted when heated to the boiling point. अब ये invisible vapor होते हैं, जब water को boiling point तक उबाला जाता है तो ये water उस चीज में convert हो जाता है. किस चीज में? Steam में. So, यहां पे जंबल वर्ड को अगर सही से लगाएंगे तो वो निकलेगा स्टीम, एस टी ई ए एम. अब थर्ड वन, डैश इज अ लाइट रेन फॉलिंग ऑन फाइन ड्रॉप, फॉलिंग इन फाइन ड्रॉप्स. आपने देखा होगा कि जब बारिश की शुरुआत होनी होती है तो बारिश की जो बूंदे होती हैं बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही महीन और बहुत तेजी से आपके मुंह पे पड़ती हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा एहसास देती हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? ड्रिजल, डी आर आई डबल जेड एल EL, drizzle, right? So यहां पे आप fill करेंगे. Fourth one, a dash is a thick mass of ice. Thick mass of ice मतलब ice का मोटा टुकड़ा. उसी से पता चल जाता है कि ये क्या है? Glacier, glacier. G L A C I E R, glacier. Now fifth one, dash is a light white covering of dew और वाटर वेपर फ्रोजन इनटू आइस क्रिस्टल. अब ये है तो वाटर वेपर ही, पर ये जम गई है, जमे हुए वाटर वेपर को कहते हैं फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी भी वेसल में पानी भर के अगर फ्रिज में रखते हैं तो जब वो आपने देखा होगा कि फ्रिज में एक ऐसी ऐसी बूंदे होती हैं जो जमी हुई होती हैं, उन जमी हुई बूंदों को ही फ्रॉस्ट कहा जाता है, एफ आर ओ एस टी. सिक्स्थ, a very small amount of liquid that falls into round shape. Round shape में क्या fall करता है? Droplet. Droplet. D-R-O-P-L-E-T. Seventh, a dash is a large collection of many, many tiny droplets of water or ice crystal. ये बहुत सारे droplets का collection होता है. अब जो ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन क्या होता है, वो होता है क्लाउड, सी एल ओ यू डी, बादल. बादल कुछ नहीं है, ड्रॉपलेट्स का कनेक्शन है. और जब बादल, इतनी सारी ड्रॉप्स बादल में इकट्ठी हो जाती हैं कि अब वो उसे नहीं रख सकता तो रेन होती है. सो दैट्स हाउ रेन फॉल्स. नाउ एट, डैश इज अ लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द ओशियन. एक बड़ा मास का टुकड़ा जो नदी में या फिर समुद्र में तैरता है उसे क्या कहते हैं? आइसबर्ग, आई सी ई स्पेस बी ई आर जी, आइसबर्ग. एक लार्ज मास, जो थिक मास ऑफ आइस था वो पहले ग्लेशियर भी आया है, पर वो तैरता नहीं है, ये तैरता है, वो पानी में नहीं होता, ये पानी में होता है. डैश रेफर्स टू टाइनी होविंग इन द एयर. होवरिंग इन द एयर का मतलब होता है हवा में रहता है और इसे कहते हैं फॉग. सर्दियों की सुबह में आपको देखने को मिलता है फॉग, एफ ओ जी. डैश रेफर्स टू स्मॉल लंप ऑफ आइस,
यहाँ पे ये बात कर रहा है ओले की। ओले क्या होते हैं? बरसात के साथ ओले भी आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हेल, एच ए आई एल। और जब ओले गिरते हैं बारिश के साथ उसे कहते हैं हेल स्ट्रॉम, इसलिए हेल का मतलब होता है ओले। नाउ स्मॉल व्हाइट क्रिस्टल ऑफ आइस, क्या होता है जो हवा जो आसमान में से गिरता है? वो होता है स्नो, एस एन ओ डब्ल्यू। एंड लास्ट वन, डैश refers to the tiny droplets of water that form on cold surfaces at night. आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो ठंडे सरफेस होते हैं उन पे थोड़ी 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 पानी की बूंदे होती हैं, उन्हें कहा जाता है dew, D-E-W. So this was our chapter Beauty of Nature. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, सरदार JS खालसा, एंड थैंक यू सो मच।